मैं मनीष, जिसके आप मुझे जानते हैं, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनीष, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा टेक्निकल लवली मनी चैनल का। तो आज की वीडियो है ब्रह्म सरोवर पे जो लाइटिंग शो होता है, तो ये मैं अभी लाइटिंग शो दिखा रहा हूँ। आज की तारीख है 2 तारीख है, जो मैं डे 10 शूट कर रहा हूँ, बल्कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती चलते हुए 10वां दिन है आज, ठीक है। तो आज मैं लाइटिंग शो दिखाने वाला हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कुरुक्षेत्र का जो डे 10 है। और ये आज ही इनके अभी टेस्ट में मैंने वीडियो बना ली, और काफ़ी मतलब कि अगर आपको कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जो लाइटिंग शो है अगर आप देख लोगे तो आपको कुरुक्षेत्र के बारे में, कैसे कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा और क्या क्या यहाँ पे हुआ, ये सारी हिस्ट्री इन्होंने 20 मिनट का शो है, ठीक है। और ए टू जेड देखियो, आपको पूरा ए टू जेड समझ में आ जाएगा कैसे नाम पड़ा कैसे नहीं, अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का, ठीक है। वैसे ही जी अभी टाइम जो हुआ है वो 8:30 से ऊपर हो चुका है, तो अभी ये टेस्ट कर रहे थे, तो टेस्ट में इन्होंने पूरी ही लाइटिंग शो दिखाया है जो कि मैंने पूरा कवर किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लाइटिंग शो मैंने सबसे पहले इसलिए दिखाया क्योंकि कईयों को पता लग जाएगा कि लाइटिंग शो में है क्या, तो ये लाइटिंग शो बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे भी कवर करना था और शायद मैं कल कवर ना कर पाया। हाँ, ये जैसे आज जो मैंने कवर किया ये हिंदी में है, इंग्लिश में मैं कल या परसों तक कवर कर दूंगा, और हरियाणा दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको लाइटिंग शो दिखाते हैं। कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर में मेला लगता है उसका लाइटिंग शो सबसे औसम रहता है। इस बार जो इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, जो लाइट का सेटअप लगाया हुआ है, ये इन्होंने एक बुक की तरह, मतलब कि एक किताब की तरह लगाया हुआ है। मैं सोच रहा था यार बीच में लाइन ऐसी क्यों है, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए लाइटिंग शो शुरू करते हैं। और लाइटिंग शो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बीच में मैंने सारा कुछ बताया भी है, अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो बस क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी मैं आपको समझा दूंगा, इंग्लिश में भी शूट कर लूँगा। अगर चाहते हो तो इंग्लिश में करूँ तो मुझे कमेंट जरूर करना, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो करूँगा, नहीं तो अगर टाइम लगा तो करूँगा, ठीक है। तो चलो लाइटिंग शो स्टार्ट करें। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा इतिहास ना बहुत रोचक है। इस दुनिया में है उसका इतिहास आना तय है, और जो लोग अपना इतिहास याद नहीं करते उन्हें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तुम्हें अपना इतिहास बताऊं, ब्रह्म सरोवर है क्या, पर मेरी और कुरुक्षेत्र की कहानियां अलग नहीं है, इसलिए सुनो कुरुक्षेत्र की कहानी, धर्मक्षेत्र की कहानी। जिसकी जड़ है देव लेक से भी बढ़कर है, मैं मानस करता हूँ इस धर्मक्षेत्र को जो 300 साल तीर्थों से आमंत्रित है, मैं मानस करता हूँ कुरुक्षेत्र को जो भारत के सराहना महापुराण है। महापुराण में कहा गया है गंगा को जल में उठती है, वाराणसी के जल और स्थल में उठती है, और कुरुक्षेत्र के जल स्थल और पानी तीनों में होती है। कुरुक्षेत्र को धर्म का द्वारा जैसे एटीएम समाज और तेजी आजाद जब सब कुछ शून्य में समाया हुआ था और सारे जी
तो फ्रेंड्स ये आप लाइटिंग शो देख रहे हो और ये साथ में कथा चल रही है। देवतुल्य ऋषि मुनि और महर्षि सरस्वती के तट पर वेद की रचना होने लगी और वेद मंत्रों के उच्चारण से सृजना का कणकण प्रतिध्वनित हुआ और ये जगह ब्रह्मा की उत्तर वेदी कहलाई। ब्रह्मा की उत्तर वेदी, तो क्या यहाँ का नाम हमेशा से कुरुक्षेत्र नहीं था? ब्रह्मा के उत्तर वेदी से कुरुक्षेत्र बनने की कथा में अभी कई मोड़ बाकी थे। एक समय आया जब महर्षि जमदग्नि के आश्रम में माता रेणुका के गर्भ से परशुराम ने जन्म लिया। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। तो फ्रेंड्स ये शावर पे चल रहा है, ठीक है। ये आप चेक करो, ये लाइटिंग शो बहुत ऑसम है। ओवरऑल गीता जयंती बहुत बेस्ट रहती है। प्रतिज्ञा करता हूँ इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। अपने बरसे से योद्धाओं के प्राण भरते हुए वे अंततः यहाँ फ्रेंड्स ये सारी कुरुक्षेत्र की कुरुक्षेत्र कैसे बना ये सारा ओवरऑल दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसमें हिस्ट्री बताई जाएगी, ठीक है। साथ में लाइटिंग शो बहुत ओसा चल रहा है। सेट भी पवित्र जलाशय बन गए और यह स्थान समस्त पंचक के नाम से जाना जाने लगा। समस्त पंचक पर जब महाप्रताप राजा गुरु ने राज किया तो उन्हीं के नाम पर इस स्थान को कुरुक्षेत्र यानी कुरु का क्षेत्र कहा जाने लगा। राजा गुरु ने धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन किया और उनके समृद्ध राज्य की कीर्ति दस दिशाओं में फैलने लगी। एक दिवस जब देवराज इंद्र आकाश में विचरण करते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कुछ देखकर ठहर गए। महाराज गुरु शिव के नंदी बैल और युवराज के मनीष की पीठ पर सोने का हल जुटाए धरती की जुताई कर रहे थे। अपने राजमहल के सुख सुविधा त्याग कर आप एक साधारण कृषक की भांति हल क्यों चला रहे हैं? कृषक साधारण नहीं होता है, वो परिश्रम करता है, कभी समाज का पेट भरता है। ये पूजा पाला एक राजा का कार्य श्रम करना नहीं राजकाज देखना है। आप किस चीज की खेती कर रहे हैं? देवराज मेरी प्रबल इच्छा है कि ये क्षेत्र आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र बने। मैंने यहाँ अष्टांग धर्म अर्थात तप सत्य क्षमा दया शौच दान योग तथा ब्रह्मचर्य की कृषि करने का निश्चय किया है। बस उसी के लिए भूमि तैयार कर रहा है। परंतु राजन बीज कहाँ है? बीज मेरे पास है। उनका उपहास करके इंद्र देव चले गए पर राजा गुरु अपने काम में लगे रहे। उन्होंने 48 कोस धरती जोड़ी और तब एक प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट हुआ। अहो फ्रेंड्स ये देखो लाइटिंग शो एक सेट चल रहा है, शावर के ऊपर एक सेट लाइटिंग शो चल रहा है। स्क्रीन पे सारी स्टोरी सुनाई जा रही है जो कि कुरुक्षेत्र की स्टोरी है जो कि काफ़ी ऑसम है, ठीक है। ये लाइटिंग शो हुआ डे फर्स्ट है, ठीक है। कल से ये स्टार्ट हो जाएगी पूरी अच्छे से, ठीक है। इसका शो का टाइम रहेगा 6:15 से 7:30 8:30 तक रहेगा। ये 2-3 शो शुरू रहेंगे। ये फिलहाल आप शो का नज़ारा लो। हे महाबलिदानी राजा कुल, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, कोई वर मांगो। जितनी भूमि मैंने जोती है वो सब यही देवों का वास है, यही किए गए कर्म कांड शुद्ध फल है और यहाँ प्राण त्यागने वाले को स्वर्ग
की कल्पना की। तथा भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राजा कुरु के शरीर के हजारों टुकड़े किए और उन्हें 48 कृष्ण को दिया। राजा कुरु के बलिदान और श्री हरि के वरदान के कारण यह भूभाग धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात हुआ। इसकी रक्षा 4 यक्ष करते हैं और यहाँ की उड़ी हुई भूमि के कारण पापी को परम पद देते हैं। समय आने पर ग्रह नक्षत्र एवं तारागण भी आकाश से गिर जाते हैं, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। अच्छा, तभी कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र भी कहते हैं। हाँ, ये धरती राजा कुरु के बलिदान से बनी है और उनका वंश आगे चलते। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो एरिया बैक साइड का देख रहे हैं, जो ब्रह्म सरोवर का ही दिखा रहे हैं सारा का सारा प्रोशव, और ये आप चेक कर सकते हो, यही सारी हिस्ट्री ब्रह्म सरोवर के बारे में ही बताई गई है, चेक कर सकते हो। गुरु वंश में जन्म कौरव और पांडव महाभारत के मुख्य पात्र थे। कौरवों और पांडवों की कहानी तो हमें पता है। बहुत अच्छे, पर क्या तुम्हें पता है महाभारत का हर अध्याय हर चरित्र जीवन से किसी पक्ष को उजागर करता है। जो लाइटिंग शो इसका इस बार है, ये सारा कुरुक्षेत्र के ऊपर निर्धारित है कि कुरुक्षेत्र कैसे बना, कैसे कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा, ये सारी हिस्ट्री एक लाइटिंग शो में बताई गई है। और अभी आप लाइटिंग शो का आनंद उठाओ। नेत्रहीन धृतराष्ट्र उस बुद्धि के समान है जिस पर माया का पर्दा पड़ा है। ऐसी बुद्धि से 100 तरह की कुरु मनोवृत्तियां और इच्छाएं जन्म लेती हैं, जो सही है शाब्दी, और उसके भाई हैं। पांडव 5 इंद्रियां हैं जिन्हें जब श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है तो वे उन मनोवृत्तियों पर विजय पा लेते हैं। उस महायुद्ध का एक एक दृश्य आज भी मेरी स्मृति में जीवित है। आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? महाभारत की विनाश लीला अवश्य भावी है। इस विध्वंस के पटल पर ही दैत्य की कथा का लिखा जाना निश्चित था। महाभारत का युद्ध न होता तो अधर्म पर धर्म की विजय न होती। महाभारत का युद्ध न होता तो मानव जाति को गीता का ज्ञान न मिलता। तो फ्रेंड्स, ये श्लोक चल रहे हैं, ठीक है, और ये श्लोक आप देख सकते हो कि शावर के ऊपर भी आ रहे हैं। अभी चले गए किस्मत मारी आपकी। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो, हे कौंतेय, निश्चय करके युद्ध करो। जब कभी तुम्हारा मन कर्म से उचात हो जाए तो गीता की शरण लेना, वहां शब्द रूप में स्वयं नारायण मिलेंगे। गीता तुम्हें बिना आसक्ति के कर्म करना सिखाएगी। मन के दर्पण पर जमी लालच और आकांक्षाओं की धूल हटाकर तुम्हें आत्मा के दिव्य स्वरूप के दर्शन कराएगी, जिसे देखकर तुम वैसे ही धन्य हो जाओगे जैसे अर्जुन श्री हरि का ही स्वरूप देखकर हुआ था। एक बार सर्वभूतों का सनातन बीज मुझे दी जाए,
बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का दर्शन है, जीवन के जटिल प्रश्नों का सहज उत्तर है। गीता वो ज्ञान गंगा है जो महाभारत के समय से आज तक अविरल बह रही है। लाइटिंग शो इधर इधर से लाइटिंग शो बहुत औसम नजर आ रहा है, पर मैं अभी गलत पोजीशन पे खड़ा हूँ। मैं अभी पर्दा स्क्रीन को कवर कर पा रहा हूँ, अभी शावर नहीं कवर कर पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी लाइटिंग शो है। पुराने राजा गए और नए राजा आए, एक और मैं जहां महाराज कुलू का स्वर्णिम काल देखा, वहीं दूसरी ओर राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का वैभव भी। कुरुक्षेत्र में लोग ज्ञान की तलाश में आए तो लूटपाट करने लगे, विदेशी आक्रमणकारियों का आघात सहता कुरुक्षेत्र अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में रहा, तो नई विचारधाराओं के प्रति उदार थी। कौन सी नई विचारधारा? कुरुक्षेत्र में महात्मा बुद्ध के दर्शन का सम्मान हुआ। सिखों के दसवें से आठ गुरुओं ने यहाँ आकर इस क्षेत्र को धन्य किया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना है। ये आप चेक कर सकते हो, इधर मैं पूरा दिखाता हूँ कि एक साइड ये चल रहा है और एक साइड ये शावर लाइटिंग शो इधर भी चल रहा है। ठीक है, दोनों जगह लाइटिंग शो चल रहा है। ठीक है, कभी अपनी पहचान नहीं खोई, अपनी धरोहर को संजोए रखा। जब जब देश पर विकट समय आया, कुरुक्षेत्र की वीर सरकारों ने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। महाभारत कौन सा विकट समय? तो फ्रेंड्स, ये देखो लाइटिंग शो बहुत औसम लग रहा है। ठीक है, अभी ये स्टोरी चल रही है, ये आधे घंटे की स्टोरी है। ठीक है, और यही चीज़ आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, इंग्लिश की वीडियो में बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। अंग्रेजी अतिक्रमण का विरोध करने की ठानी, चीन, कैथल, लाडवा और थानेसर के वीरों ने शत्रु को ललकारा और मरते दम तक उनका सामना किया। 1857 से लेकर 1947 तक कुरुक्षेत्र ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी दिए और मातृभूमि का मान बढ़ाया। दादा, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे कुरुक्षेत्र की कहानी इतनी महान है। अपने महान इतिहास के दर्शन करने हो तो कुरुक्षेत्र के तीर्थों पर घूमने जरूर जाना। तो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल कुरुक्षेत्र की पूरी स्टोरी है। अगर किसी को कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ नहीं पता तो ये लाइटिंग शो में आपको ओवरऑल सारा कुछ पता चल जाएगा कि कैसे कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा और क्या क्या यहाँ पे हिस्ट्री रही, ये आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मैं इंग्लिश में जरूर दिखाऊंगा, हो सका तो मे बी ट्राई। ये लाइटिंग शो देख सकते हो कि शावर के ऊपर लाइटिंग शो चल रहे हैं। अपने गौरवशाली इतिहास की गाथा कहते हैं। ज्योतिषर जहाँ श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, माँ भद्रकाली मंदिर जहाँ सती देवी का। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको ओवरऑल ये सारी वीडियो मिल जाएगी, टूर कुरुक्षेत्र में कौन कौन से टूर घूमने वाले हैं। टेक्निकल लवली मनी चैनल पे और स्विमिंग बाय, इन दोनों में से मैंने एक चैनल पे ये सारे डाले हुए, जो जगह दिखाई जा रही है बाण गंगा ए टू जेड, मैंने सारा कुछ दिखाया हुआ है। कुरुक्षेत्र को समझना है तो यहाँ की तो ये ब्रह्मसरोवर, जो कि आपने आज मेरी सारी वीडियो देखी ली हुई, ओवरऑल डे 10, आज डे 10 में ही मैंने ये कवर कर लिया लाइटिंग शो, जो कि कल से स्टार्ट होगा अच्छे से, क्योंकि आज ये चेक कर सकते हो। मेरे बच्चों, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने यहाँ जन्म लिया। कुरुक्षेत्र की धरती धन्य है जहाँ राजा कुरु ने धर्म की खेती की। कुरुक्षेत्र का जल धन्य है जिसमें श्री कृष्ण जैसे महान। फ्रेंड्स, चेक कर सकते हो, ये लाइटिंग शो बहुत औसम है। इस बार तो मतलब इन्होंने कहर कर रखा है। धन्य है जिसमें आहुति देकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। कुरुक्षेत्र की वायु धन्य है जिसने वेदों के ज्ञान का संचार किया। कुरुक्षेत्र का आकाश धन्य है
जो अनंत काल से यहाँ होने वाले पुण्य कर्मों का साक्षी है। काफ़ी ऑडियंस है, ये चेक कर सकते हो कि ओवरऑल अभी जो टाइम हो रखा है ये 8:30 का हो रखा है। यहाँ पे सारी जगह आपको ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। अभी अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं ये लाइटिंग शो है, यहाँ पे इधर जाना मना है। और ये आर्टिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे रोल अदा किया था, कुरुक्षेत्र के बारे में सारी हिस्ट्री बताई गई है, ठीक है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको लाइटिंग शो बढ़िया लगा हो। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बताया जाएगा, तो इन्होंने शो किया है, इनका इंटरव्यू ले पाएंगे या कैसा लगा इनको ये बाद में देखेंगे। चलो ओवरऑल लाइटिंग शो सारा खत्म हो गया है। आई होप कि आपको लाइटिंग शो अच्छा लगा हो। इसमें इस वीडियो में ओनली लाइटिंग शो दिखाया मैंने और कुछ नहीं, बाकी भीड़ भाड़ तो क्या दिखानी थी, बाकी आपने सारे मेले में देखी होगी। तो आज का लाइटिंग शो कैसा लगा कमेंट करके बताना, आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो नेक्स्ट डे जो इंग्लिश का बनाऊंगा, इंग्लिश का कब बनाऊंगा ये कन्फर्म नहीं कहता, बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, पर फिर भी मैंने कोशिश किया, पर ठंड बहुत लग रही है, और लाइक कर देना। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देना, और हाँ साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक आईडी, मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक सारी जगह मुझे फॉलो कर लो, और टिकटॉक पे जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइटिंग शो थोड़ा कैमरा हिल रहा था उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भी बनाई है। तो ये है स्विमिंग बाय मनी चैनल, जिसके ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं, टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू वॉच द वीडियो।